टोरंटो सिटी हॉल वालों नवे फैसले लागू किए गए ने जिस दे लई काउंसल मैंबरस ने भी हरी झंडी दे दिती है। जिस दे विच जो मुख्य फैसले लए गए ने उन्हां विच ये भी शामिल है कि जो महंगे घर होणगे जिन्हां दी कीमत 30 लाख जां इस तों ज़्यादा है जदों उन्हां नूं वेचिया जाएगा तो उस मौके एक नवा टैक्स लाया जाएगा। तो इस नाल ही जो सिटी विच पार्किंग है उस दे विच जिवें कि प्रति घंटे दे हिसाब नाल $5 दा कैप है उसनूं हटाया जा रहा है, यानी कि टोरंटो विच स्ट्रीट्स दे उत्ते जो पार्किंग है वह होर भी महंगी होने वाली है। इस दे नाल ही सिटी वल्लों फोर्ड सरकार तो मंग भी की जा रही है कि जां तां सिटी नूं 1% सेल्स टैक्स लाउण दी इजाजत दिती जावे जां फिर जो इस समय HST है उससे विचों 1% सिटी नूं दिता जावे तां कि सिटी नूं $1 अरब तक दी होर कमाई हो सके सालाना। दरअसल जो साल 2024 लई टोरंटो सिटी वल्लों बजट दे उत्ते मशवरा किया जा रहा है उस दे विच इह पाया गया है कि करीब $1.5 बिलियन यानी कि $1.5 अरब का घाटा पै रहा है, जिस करके सिटी ने कमाई वधाउण दे लई साधन ते नाल ही नवे फैसले लैण दे उत्ते विचार किया है ते कई फैसले तो लागू भी कर दिते गए ने। डेल्टा विचों 2 भैणां लापता होईयां ने जिन्हां दे बारे पुलिस दे वल्लों सहयोग मंगिया जा रहा है। नॉर्थ डेल्टा दे विच इक घर तों 2 भैणां गईयां ते वापस नहीं आईयां। 6 सितंबर नूं सवेरे 3 बजे उन्हां नूं आखरी वार देखिया गया दियाना ते सिल्वा बाजो, जिन्हां दे बारे जानकारी दित्ती गई है कि पहलां तां उन्हां दे दोस्तां दे नाल ते नाल ही जिन्हां नूं ओह जाणदियां ने उन्हां दे नाल संपर्क करन दी कोशिश कीती गई, पर हजे तक इन्हां दे बारे कुछ नहीं पता लग्या। दियाना की उम्र 16 साल है, 5 फुट के करीब उसका कद है, 100 पाउंड के नेड़े भार है, जिसते लम्मे भूरे वाल ने। दियाना घर तो जो गई तो उसने सफेद रंग की पफर जैकेट पाई हुई सी ते पजामा पैंट्स पाई हुई सी। सिल्वा 14 साल की है, जिसका कद भी 5 फुट के नेड़े है, 100 पाउंड के नेड़े भार है, जिसते भी लम्मे भूरे वाल ने। जदों ओह घर छड़ के गई है तो उस समय उसने काले रंग की जैकेट पाई हुई सी, जो वैसट पाई हुई सी उसने, ते पजामा पैंट्स। दोनों के बारे दस्या गया है कि पब्लिक ट्रांजिट की वरतों की हो सकती है उन्होंने। जेकर किते भी इन्हां दोवां भैणां दे बारे किसी नूं कोई जानकारी मिलती है तां डेल्टा पुलिस दे नाल तुरंत संपर्क किया जावे 604-946-4411 उत्ते। बर्नबी RCMP ने इस व्यक्ति नूं लभण वास्ते सहयोग की मांग की है, जिसके उत्ते इल्जाम ने कि फेसबुक मार्केटप्लेस दे जरिए यह एक व्यक्ति नूं मिलिया जिस तों रोलैक्स की घड़ी लैण दे वास्ते मिलिया सी, पर बिना कोई रकम दिते उस तों घड़ी लैके फरार हो गया, जिसनों हुण लभण दे लई सहयोग मंगिया जा रहा है। जो व्यक्ति इस घड़ी नूं वेचण वास्ते आया सी दोवां ने लोहिड मॉल दे विच सितंबर 1 नूं मुलाकात की। पहलां कीती गई मुलाकात विच इन्हां दी गलबात नेपरे नहीं चढ़ सकी ते उसे दिन दोबारा तो एक दूजे नूं लोहिड मॉल विच फिर तो मिले। घड़ी की कीमत 7500 लाई गई सी फेसबुक मार्केट प्लेस दे उत्ते। ता जो घड़ी वेचण आया सी व्यक्ति ओह एक बजुर्ग सी ते उस तों घड़ी लै के इस व्यक्ति ने मंग की कि यह अपने गुट ते ला के देखना चाहुंदा घड़ी नूं। ता जदों घड़ी वेचण वाले ने इसकी इजाजत दे दित्ती तां इस व्यक्ति ने गुट ते घड़ी लाई ते मौके तों फरार हो गया, जिसनों लभण वास्ते बर्नबी RCMP ने सहयोग की मांग की है। जिन्हें कहा कि इस व्यक्ति बारे जेकर किसी भी कुछ पता लगता है तो 604-646-9999 से फोन करके जानकारी सांझी की जा सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया के इस समय जो जंगलों में अग लगी हुई है उससे करके हुण तक भारी नुकसान हो चुका है। बुधवार को फ्रेजर वैली रीजनल डिस्ट्रिक्ट के अधिकारियों ने इसके बारे जानकारी सांझी की है, जिसके उन्होंने कहा है कि होप के उत्तरी हिस्से में हाईवे 1 के दुआले भाईचारियों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान होया, जिथे कि 27 प्रॉपर्टीज़ अग के नाल बुरी तरह नुकसानियां गई ने, जिन्हों के 6 घर सन ते होर रिक्रिएशनल प्रॉपर्टीज़ सन, सर्विस बिल्डिंग्स सन, जिन्हों का अग दे करके भारी नुकसान होया है। जिससे उन्होंने कहा कि इस मौके मनुखी जीवों का कोई नुकसान नहीं होया, जिहड़े उत्थे रह रहे सन यह बचा रहा, जिससे जो कुकीपी क्रीक वाइल्ड फायर है उस करके नुकसान होया, जिससे कि जानकारी सांझी की जा रही है। इस दौरान दस्या गया है कि जुलाई की शुरुआत में यह अग लगनी शुरू हुई सी ब्रिटिश कोलंबिया के दक्षण पछमी हिस्से, जिस तों बाद यह लगातार अगे वधी ही गई, जिस करके वड्डे पद्धर दे उत्ते हुण तक नुकसान हो चुका है। ब्रिटिश कोलंबिया विच इस साल अग्गां लगण दा सीजन सब तों ज़्यादा भयानक दस्या जा रहा है, जिथे कि किते ना किते थोड़ा मीह पैण दे करके राहत जरूर मिलती है,
पर फिर तो कई थावां दे उत्ते सुलगदी हुई अग दे करके नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जिवें कि जो है जंगलों नूं अग लगी हुई है ब्रिटिश कोलंबिया विच, तां उस करके कई भाईचारियां दा जदों नुकसान हो जाता है तां उत्थे बिजली दे खंभे भी अग दे नाल बुरी तरह नुकसाने जाते हैं, जिस तों बाद बीसी हाइड्रो दे अधिकारी लगातार काम करन दे लई भी लगे हुए ने, जिन्हां दे वल्लों तुरंत नवे बिजली दे खंभे लाए जाते हैं ते वक्ो वक्ख थावां दे उत्ते उस नुकसान दे करके जो बिजली चली जाती है उसनू वापस लियाउण दे वास्ते काम किया जाता है, जिस दे बारे वाइल्ड फायर क्रूज़ दे वल्लों भी जानकारी सांझी की जा रही है। बीसी हाइड्रो दे अधिकारियों ने कहा कि मैकडोगल क्रीक वाइल्ड फायर दे विच जो नुकसान होया उसके करके खेतर विच वड्डी गिणती बिजली दे खंभे नवे लाए जा रहे ने, जिस दे बारे बीसी हाइड्रो दे अधिकारियों ने यह भी दस्या है कि हुण तक 300 तो वध बिजली दे खंभे नवे लाए जा चुके ने ते जंगलों नूं अग लगण दे करके हुण तक 426 बिजली दे खंभे बुरी तरह नुकसाने गए ने, जिस दे विच अधिकारियों का कहना कि करीब 80% तक मुरम्मत ते जो बिजली दे खंभे नवे लाए जा रहे ने उसका काम हो चुका है, पर इस दे उत्ते लगातार क्रू मैंबर काम करन दे लई लगे भी होए ने ता कि वक्खो वक्ख भाईचारियां दे विच बिजली मुड़ तो आ सके, जिस दे बारे अधिकारियों ने दस्या कि बीसी हाइड्रो दे 125 कामी इस काम दे लई लगातार काम करन च लगे हुए ने। प्रिंस जॉर्ज विच जो सवेरे 7 बजे 22 अगस्त नूं एक वड्डा धमाका होया सी, जिस करके एक इमारत पूरी तरह ढह ढेरी हो गई सी 4 एवेन्यू ते डोमीनियन स्ट्रीट दे उत्ते, उस दे बारे पुलिस अधिकारियों दे वल्लों हुण एक अपडेट जारी की गई है, जिस दे विच पुलिस अधिकारियों ने दस्या कि उस इमारत विच कुछ व्यक्ति चोरी करन लई आए सन जो कि कॉपर दा पाइप चोरी कर रहे सी, तां इसे दौरान एक गैस लाइन नुकसानी गई, जिस तों बाद गैस लीक होण लगी ते उत्थे जो व्यक्ति चोरी कर रहे सन उन्हां नूं इस दे बारे पता नहीं लग्या, जिस तों बाद ही उत्थे तों गैस करके धमाका होया, 3 जणयां नूं हस्पताल पहुँचाया गया, 1 जणे दी हालत काफ़ी गंभीर दसी गई है। प्रिंस जॉर्ज विच जांच अधिकारियों दे वल्लों कहा गया है कि जिवें कि जांच हजे भी शुरुआती दौर दे विच है, पर फिलहाल शुरुआती कारण उन्हां नूं पता लग्या है, जिस दे बारे जनतक तौर पर यह जानकारी सांझी की गई है, जिस दे विच उन्हां ने कहा है कि जो है धमाका होया ते इसे करके जो नुकसान होया इस दौरान इसे बारे जेकर किसी होर नूं भी कोई होर जानकारी होवे जां किसी कोई वीडियो फुटेज होवे तां RCMP नाल 250-561-3300 ते फोन करके संपर्क किया जा सकता है ते जानकारी दिती जा सकती है। ग्रेटर सडबरी पुलिस इस लड़की नूं लभण वास्ते सहयोग की मांग कर रही है, जिसनों के आखिरी वार अगस्त 20 दे दिन देखा गया सी, जिसका नाम ब्रिटनी है, जिसनों के आखिरी वार अगस्त 20 दी दोपहर 2 बजे जीनो स्ट्रीट खेत्र विच देखा गया, जिसने कि उस समय नेवी टैंक टॉप पाया होया सी, काली लैगिंग्स पाईआं होईआं सन, सैंडल पाए हुए सी ते काले रंग दा पर्स चुकिया होया सी, जिसका कद 5 फुट 4 इंच दे नेड़े है, 111 पाउंड दे नेड़े उसका भार है, काले लम्मे वाल ने, जेकर कोई भी इस लड़की नूं किते देखदा है तां ग्रेटर सडबरी पुलिस नाल 705-675-9191 ते फोन करके जानकारी सांझी कीती जा सकती है।